इधर रायगढ़ शहर में कचरा प्रबंधन न होने को लेकर नगर निगम एनजीटी के निशाने पर है। पर्यावरण विभाग ने एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम को कचरा प्रबंधन में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस भेजा है। निगम को 15 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण कर जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। मामला उजागर होने के बाद भाजपा नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि नगर निगम सफाई को लेकर गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से शहर में गंदगी पसरा हुआ है। हमें सूचना दी गई है कि बहुत से जगह में, जैसे 7-8 जगह में कचरा का डंपिंग बना हुआ था, उसको साफ करने के लिए उन्होंने हमें सूचना किए थे, लेकिन लगातार प्रयास है कि हर क्षेत्र में नगर निगम की टीम पहुंचती है, साथ में हमारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं अपने अपने वार्ड में, वहाँ कचरा साफ सफाई करते तो हैं, लेकिन बाद में आम जनता सहयोग नहीं करते हैं नगर निगम को, फिर पुनः कचरा वहीं डाल देते हैं। नगर निगम में कचरा डंपिंग यार्ड को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। नगर निगम में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नगर निगम के कचरों का जमाव पड़ा हुआ है। लगातार एनजीटी के द्वारा, पर्यावरण विभाग के द्वारा नगर निगम को नोटिस दी जा रही है कि यदि इस प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर कचरा पाया गया तो गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है निगम क्षेत्र के निवासियों को। लेकिन आज भी नगर निगम का स्वास्थ्य अमला, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर कहीं पर भी गंभीर नहीं है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने के बारे में विचार कर रही है। क्या है, एनजीटी 606/2018 में ये प्रकरण लगा हुआ है नगरी ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु, जिस बाबत समय समय पर हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का जांच किया जाता है, कहीं पर अगर पाया जाता है उस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम को अवगत कराया जाता है। इसी तारतम्य में 10 मार्च को ये जाँच की गई, जिसमें कुछ स्थानों पर हमें ठोस अपशिष्ट संग्रहित पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने नगर निगम को पत्र प्रेषित किया है कि शीघ्र सफाई कराकर सूचित।